गुमनामी की जिंदगी जी रहे लोगों की ये तस्वीर करोलबाग में स्थित महिला शेल्टर होम की है, जहां इन्हें मौत से कोई शिकायत नहीं। शिकायत तो है बस अपनी जिंदगी की बदनसीबी, बेबसी और बेकसी से, जिन्होंने इन्हें जीते जी मार डाला है। मानवता की मिसाल पेश करते हुए इस शेल्टर होम में देसी विदेशी सभी मजबूर और असहाय लोगों को यहाँ आश्रय मिलता है। अपनों से दूर लाचारी और बेबसी की जिंदगी जी रहे इन गुमनाम महिलाओं से डीएनपी इंडिया ने खास मुलाकात की। इस दौरान जब हमने यहाँ मिल रही सुविधाओं के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा कि कपड़े, दवाइयाँ, खाना पीना सब मिल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, बस परिवार की याद आती है। मूल रूप से बंगाल की रहने वाली इन महिलाओं को परिवार वालों ने घर से बेदखल कर दिया, जिसके बाद ये भटकती हुई इस शेल्टर होम तक पहुंची। अपनों से ठुकराई इन बुज़ुर्ग महिलाओं को यहाँ भरपूर प्यार मिला, तो ज़िंदगी ने जो ज़ख्म दिए थे वक्त ने वो घाव जल्द ही भर दिए। लेकिन सालों साल यहाँ रहने के बाद भी अपने घर और परिवार को भूल नहीं पाए। डीएनपी इंडिया के सवालों और जवाबों के बीच हजारों गमों को अपने भीतर समेटे इन सुर्ख चेहरे को डीएनपी इंडिया ने अपने कैमरे में भी कैद किया। आप भी इन खामोश तस्वीरों को देखिए और इनके दुखों का आकलन कीजिए। सेवा हो रही है ठीक है? कब से हो यहाँ पे आप? एक साल से हो आप यहाँ? किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कठिनाई? तबीयत अब ठीक है? वो बता रहे हैं कि आप बीमार हो गए। तबीयत ठीक है फिलहाल? अब कुछ हो रहा है? अभी कुछ नहीं हो रहा है। आप तबीयत ठीक है? और खाना पीना सब टाइम पे मिल रहा है आपको? ये हैं जो बीमार हो गई थी और काफ़ी इनकी देखभाल हुई, अब ये फिलहाल ना सही है। और आइए हम बाकी लोगों से भी बातचीत करते हैं जो इस समय यहाँ पे हैं। कब से हैं आप लोग यहाँ पे? एक साल से आप यहाँ? और खाना पीना मिल रहा है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? और घर कहाँ है आपका? अच्छा, बांकुड़ा आपका घर हुआ और दिल्ली कब आई? एक बार पहले तो यहाँ तक कैसे पहुँची है? तो यहाँ आपके छोड़ दिया? छोड़ दिया। तो फिर आप अटकते हुए यहाँ? ना, वो छोड़ा नहीं, पाया नहीं को, ऐसी बोले तो रहो ही यार। अच्छा, वो आपका बेटा है क्या? हाँ। तो आपका बेटा ने यहाँ पे छोड़ दिया? छोड़ दिया के, आके छोड़ के, बोले तुम रहो, हम आना जाना करेगा। अच्छा, तो बेटा देखभाल नहीं करता? नहीं, आता नहीं। अब जो है आप यहीं के रहते हैं? क्या करेगा, जाना नहीं सकता है। और यही आपके परिवार है? सही बोला है। तो अब आप घर जाने का मन नहीं करता है? मन करता तो क्या करे, कौन लेके जाएगा? बेटा बांकुड़ा में है आपका? भाई दिल्ली में ही रहता है? कहाँ पे? कश्मीरी गेट। तो वहाँ पे काम करते हैं? वहाँ पे दोनों काम करते रहे हम दोनों। बेटे की शादी नहीं है? तो अकेले कहाँ पे रहता है? आपको नहीं रखना था? एक ना कहाँ रहेगा? आपका घर जाने का मन नहीं करता? हाँ, मन करता है। एक लड़का का लड़की है। अच्छा, लड़की कहाँ पे रहती है? शादी शादी है तो लड़की आती है मिलने कभी? लड़की ने भी छोड़ दिया? नहीं करूँगा,
बातचीत भी नहीं करता, याद आती है पति पोते की याद आती है, अब मिल नहीं पाते हैं। ये कहानी है जो एक साल पहले यहाँ पे आए थे, बेटे ने इनका साथ छोड़ दिया और ये शेल्टर में रहते हैं और यही अभी इनका परिवार है। तीन जगह से यहाँ का आपका परिवार आपके कितने बच्चे हैं? इनका कहाँ पे रहता है आपका? ये कश्मीरी गेट पर रहते हैं। क्या फैक्चर कहाँ पे? महिला बंगाल की जगह नहीं, ये तो डी एन पी इंडिया इस वक्त पहुंचा है करोलबाग महिला सेंटर होम, जहां सर्द कड़ाके के बीच गरीब मजनू इंसानों की ज़िंदगी कैसे बीतती है इसी की पड़ताल करने। तो आइए यहां के जो केयर टेकर हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस महिला सेंटर होम को वो कैसे ऑपरेट करती हैं। मैडम आपको अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम वीरा वर्मा है, ये महिला सेंटर में मैं यहाँ इन लोगों की सेवा कर। अच्छा, तो अभी कितनी की संख्या में यहाँ पे लोग रहते हैं? 20 लोग, बच्चे और महिलाएं मिला के 20। और कैपेसिटी कितनी है? 40 की। और ठंड में क्या दिक्कतें होती है? ठंड में सर ठंड बहुत होती है, तो फिर दिक्कत है ठंड की वजह से। बाहर कोई भी महिला हम खुले में नहीं रहने देना चाहते, हमारी रेस्क्यू टीम भी अगर कोई बाहर रोड पर महिला होती है तो हमारे जो रेस्क्यू करते हैं वो हमें लेकर जाते हैं और हम उनको सेंटर के बाहर लेकर। कब से ये सेंटर बनता है? सर ये 10 साल से चल रहा है, लेकिन हमारी संस्था 2002 से चल रहा है। 2002 है या दिल्ली सरकार के अंदर है? ये NGO है, दिल्ली सरकार के अंदर में। तो वो फंड वगैरह का इंतजाम हो जाता है? सर इसके बारे में हमारे डायरेक्टर सर, जैसे कि यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें कोई खाने पीने की दिक्कत? सारी फैसिलिटी है यहाँ पर, वो सारी चीज़ें हो जी सर, नाश्ता दूध पेशेंटों की दवाई और कुछ मेंटल पेशेंट भी हैं हमारे पास, तो उनका ट्रीटमेंट भी यहाँ ये वहाँ हॉस्पिटल से हम लोग खुद लेकर जाते हैं और उनका इलाज पूरे तरीके से। कई ऐसे बच्चे भी होंगे जो सर्द में जिसे माँ बाप ने छोड़ दिया हो, या कई बच्चे ऐसे होंगे जिसके बुजुर्ग माँ बाप को सर्द में छोड़ दिया हो, ऐसे लोग आपके भी चाहते हैं? जी सर हैं हमारे पास, उनको पूरी फैसिलिटी देते हैं, पूरी देखभाल है उनकी। खाने पीने में क्या सब चीज़ें सर? दूध भी है, अंडे हैं और ठंड से बचने के सारे बुजुर्गों को और पेशेंटों को तो कंपलसरी है, बीमार बच्चों को। बीमार लोग भी हैं यहाँ पे? जी सर। बीमार लोग हैं यहाँ पर 5 पेशेंट हैं, बाकी 3 बुजुर्ग हैं, तो उनका कभी भी हमें इलाज कराना। अनाथ लोगों के साथ रहते हुए कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं है, हमारे पास ही है, हमें इनकी पूरी देखभाल। अच्छा, तो जब से ये संस्था बनी है तब से आप लोग इन्हीं लोगों के साथ जुड़े? जी सर, तब से लगभग 10 साल। अच्छा, ये जो बच्चे घूम रहे हैं? जी सर, इसका जन्म यहीं हुआ था, यही है, ये 7-8 साल। तो इनके माँ बाप कहाँ से?
इनके मदर फादर अभी इस टाइम कोरोना की वजह से गए हुए हैं, तो इनकी मम्मी हरियाणा नहीं गए हैं, पापा भी नहीं गए, आँखों का ऑपरेशन हुआ इसलिए वो हरियाणा ही इनके पापा उनकी दो बेटियाँ हैं, दो बेटियाँ यहाँ से यूनिवर्सिटी चलने पर एक बेटी चली गई है, एक बेटी नियामुद्दीन किसी सेंटर में, यहाँ से भी अच्छा सिलाई ट्रेनिंग सेंटर में काम करते हैं। अच्छा, तो यहाँ बच्चों का ट्रेनिंग भी देते हैं काम का जी, जी सर है। जी सर, यहाँ एजुकेशन भी है बच्चों की, सिलाई मशीन है तीन, तो हम उस सिलाई मशीन पर छोटा मोटा से सिलाई वगैरह भी पीछे 3 महीने का कोर्स कराया था, अभी मार्क्स वगैरह भी बने हैं तो इन्होंने हेल्प की। अच्छा, तो केयर टेकर के रूप में आप 10 सालों से काम कर रहे हैं, तो कितने बदलाव आया है, सरकार बदली है, सांसद बदले हैं, जी सर, नए नए लोग भी आते हैं, कितना बड़ा चुनौती होता है सारी चीज़ों के लिए सामंजस्य बैठा होती तो है सर, कई लोग बहुत अच्छे भी होते हैं, कई लोग कल भी करते हैं, उन सबको कष्ट तो करना है। तो जो भी बर्मा के लोग होते हैं थोड़ा इरिटेटिंग होते हैं, तो उन लोगों के साथ आप लोगों का मतलब समझाते हैं सर, और इस दौरान यहाँ जो बुजुर्ग हैं उनके साथ क्या करते हैं, बच्चों की तरह देख रेख बीमार भी होंगे जी सर, अभी ये अम्मा जी थी, इनको कम से कम 15 दिन ले दिया गया हॉस्पिटल में, इनको अटैक पड़ा था, 15 दिन हॉस्पिटल में दाखिल, हमारी दूसरी महिला थी वो उनके साथ 15 दिन हॉस्पिटल में रहती और इनको बिल्कुल ठीक कर दिया। देश के लोग आते हैं या विदेशी लोग? विदेशी लोग भी आते हैं सर, अभी एक महिला आई थी यहाँ 15 जुलाई से लेकर अभी 17 दिसंबर को साउथ अफ्रीका भेजा गया, उसकी डिलीवरी कर रही, 3-4 महीने का बेबी लेकर भी गई। और यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उसका एजुकेशन कहाँ पर करते हैं, कॉलेज में जी सर, हमारी संस्था कंप्यूटर भी सिखा रहे हैं उनको, बाकी कंप्यूटर हमारे पास भी है, वहाँ से सीख कर आकर के मैं यहाँ भी रिवाइज करूँगा। सालों भर चलते रहते हैं, बंद नहीं होते कभी भी, नहीं ऐसा दिन वाले पदार्थ ही सर, खाने में दाल चावल मतलब डे के हिसाब से खाने लगता है, एक दिन छोले चावल, एक दिन राजमा चावल, एक दिन पनीर की सब्जी, लोग आते हैं या फिर हफ्ते में 10 दिन में जैसे ज्यादा हुआ किसका असर है, परमानेंटली हमारे पास आएंगे, बाकी जो ठंड से जो बाहर है वो भी आते हैं, उनको भी जगह है, तो रात में वो लोग भी आते हैं, खाने की व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था हम रखते हैं, और अगर नहीं भी है तो बनवा जी, भूखा नहीं सुनाता सर, मेरा नाम मीरा वर्मा, मीरा वर्मा जी। और ये है मीरा वर्मा, तो काफ़ी चुनौतियों के बीच तरह तरह के लोग आते हैं और उनको बच्चों की तरह पालते हैं, जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया हो या जो असहज हो, असहाय हो, उनका मैडम आप अपना नाम बताइए। सीमा। अच्छा, तो आप भी यहीं के जुड़े हुए? अच्छा, तो कोई दिक्कत होती है? बहुत सारी आती है, ठंड की वजह से या गर्मी की जगह भी असर पड़ता है, मतलब भाई इनके लिए सारी व्यवस्था करके रखनी पड़ती है, ठंड की वजह से कंबल मंगाना, गद्दे मंगाना, ये सब भी मंगाना पड़ते हैं, और भी खराब आते हैं, मतलब अगर ज़्यादा ठंड है तो हीटर वगैरह का भी इंतजाम करना पड़ता है, तो इस समय जो होगी कई सारे लोग बीमार भी हो जाते होंगे ठंड की वजह से। हाँ जी, अभी ये अम्मा है, उनको 5 बजे अटैक करा था, तो 5 बजे ही थ्री व्हीलर से हॉस्पिटल लेके गए थे, और दिन आदमी चाहिए उसके बाद ये ठीक हो गई, शेल्टर होम में न केवल महिलाएं बल्कि कई बच्चियां भी हैं जिनकी यहां परवरिश हो रही है। यहां पल रहे बच्चों की न केवल अच्छे से पढ़ाई लिखाई होती है बल्कि सिलाई कढ़ाई जैसे कई व्यावसायिक कामों को भी सिखाया जाता है। जिंदगी की जंग में ये बच्चे अपने पैरों पर चढ़कर खड़े हो सकें और आत्मनिर्भर हो सकें। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि गुमनामी की जिंदगी जी रही इन महिलाओं की पीड़ा का आकलन आखिर कौन करेगा। धीरेंद्र सिंह और विभाकर झा की रिपोर्ट, DNP इंडिया के लिए।